सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में आज आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपने फ़ोन में अपने पीसी की तरह विंडोज़ डाल सकते हैं, कोई भी आप जैसे कि एक्सपी 7 या 10। आज मैं आपको विंडोज़ 10 की डाल के दिखाऊँगा इस एंड्रॉयड फ़ोन में और बिल्कुल आप विंडोज़ की फील ले सकते हैं इस फ़ोन में। बिल्कुल इंटरफेस बिल्कुल विंडोज़ जैसा होगा। इस वीडियो को आगे देखते रहिए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है विंडो लॉन्चर। आप ये प्ले स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो मैं नीचे इस ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन ओपन करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो इंटरफेस है बिल्कुल विंडोज जैसा लग रहा है। आपको मैं यहाँ पर लैंडस्केप मोड में करके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला मैं यूज़र रिसाइकल बिन यूट्यूब जो एप्लीकेशन है आपको तो मिलेंगे। यहाँ पर दिस पीसी है, इस पर आप जाके अपने होम स्क्रीन में जा सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर में सबसे नीचे स्टार्ट मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ से जाके किसी भी एप्लीकेशन में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं अपना यूज़र ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं यूज़र फाइल में जाके दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है यूज़र, उस यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, उसके बाद डाउनलोड्स का फोल्डर, उसके बाद पिक्चर्स एंड वीडियोज़ भी, और यहाँ पर साइड में देख सकते हैं दिस पीसी लोकल डिस्क सी एंड लोकल डिस्क डी। यहाँ पर लोकल डिस्क सी में आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है और जो लोकल डिस्क डी में है वो एक्सटर्नल एसडी कार्ड की स्टोरेज मिलती है। यहाँ पर आप किसी भी फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप कोई फाइल डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कट कॉपी पेस्ट और डिलीट का बिल्कुल ऑप्शन विंडोज़ की तरह आता है, और यहाँ पर अगर कुछ आप डिलीट करते हैं तो ये सीधे आपके रिसाइकल बिन में चले जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं क्योंकि दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसा ऑप्शन मिलता नहीं है, और इसमें आप अगर कुछ गलती से डिलीट भी हो जाए आप यहाँ पर रिसाइकल बिन से रिकवर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।